दो विपरीत दिशा से आ रहे ऑटो रिक्शा में टक्कर हो गई, जिसमें रजौली थाना के दुलारपुर गांव के निवासी मोहम्मद साजिद, जो अपने गांव रजौली थाना से दुलारपुर गांव जा रहे थे, गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। रजौली से जा रहे थे गांव, तो उधर से ऑटो वाला ने एकदम मारी झटका, तो ये पूरा एकदम उसका पाँव उड़ गया। वहाँ से हॉस्पिटल एडमिट करवाए, हॉस्पिटल से वहाँ से रेफर कर दिए यहाँ आते के साथ इनकी डेट कर दी। तो क्या चीज़ से हुआ, क्या चीज़? टेम्पू वाले ने मारा, टेम्पू से जा रहे थे और टेम्पू वाला उधर से आ रहे थे जो मारे। क्या नाम है, कहाँ पर घटना घटा? ये रजौली का दुलारपुर मोड़ के पास हुआ। क्या नाम है इनका? इनका नाम है मोहम्मद साजिद। कहाँ के रहने वाले? भेलवाटाड़। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद एहतिशाम। नवादा जिला के सिरदला थाना के चौबे गांव के छोटू शुक्ला की 35 साल की बेटी को विषैले सांप ने डस लिया। परिजनों ने डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय झाड़ फूक पर विश्वास किया, शाम होते होते मौत हो गई। प्रतिबंध के बावजूद शराब का व्यापार करने वाले कारोबारी और शराब पीने वालों पर शराबबंदी कानून का कोई असर दिखता नहीं पड़ रहा है। उत्पाद और पुलिस विभाग द्वारा लगातार की जा रही कार्यवाही के बावजूद सेवन करने वाले और शराब के कारोबारी मानने को तैयार नहीं है। आज भी 11 शराबी और शराब के कारोबारी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अकबरपुर थाना के फतेहपुर मोड़ से एक बाइक से 6.5 लीटर शराब के साथ दो कारोबारियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं हिसुआ थाना से उड़ीसा गांव के निकट बाइक पर सवार दो कारोबारियों को 21 लीटर शराब के साथ पुलिस ने हिरासत में लिया। कहां घर है? वास्तविक सामने। कहां पर धराया? कहां? हामिदपुर। कहां घर है? मनोखर रामगढ़। कहां धराया? कहां धराया? घर है में। कौन गांव? ब्रोखरा रामगढ़ में। आज जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा नगर शहरी क्षेत्रों के 100% दुकानदारों एवं कर्मी गणों का व्यापक टीकाकरण कार्य प्रगति का जायजा लेने पंपूकल चौक पहुंचे। आज विशेष अभियान चलाकर संपूर्ण शहरी क्षेत्र के सभी दुकानदारों एवं कर्मचारियों का 100% टीकाकरण हो, इसको लेकर प्रयास किया गया। अब मात्र 5 लाख रुपए में बने बायोडीजल पेट्रोल पंप के मालिक, जी हाँ, IBFC यानी कि इंडियन बायोडीजल कॉरपोरेशन लेकर आया है एक सुनहरा अवसर। अब आप भी अपने शहर या गांव में खोल सकते हैं बायोडीजल पंप और कमा सकते हैं कम लागत में ज्यादा मुनाफा। IBFC लेकर आया है सीधे आप तक स्वदेशी ईंधन। सभी डीजल गाड़ियों में इस्तेमाल के लिए बना ये स्वदेशी ईंधन है आम डीजल से 2 रुपए सस्ता, अधिक माइलेज, इंजन की लंबी उम्र के साथ प्रदूषण मुक्त है इसकी खासियत। तो बिना देर किए जुड़िए IBFC के साथ। पंप लगाने या अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल या व्हाट्सएप करें 7766900701 पर।